कि प्रैक्टिस में कौन सी यूज चलती है मेडिसिन ज़्यादातर एंटीबायोटिक होगी या कोल्ड की होगी सारी टोटली मेडिसिन तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ एंटीबायोटिक्स की कि कौन सा कौन सा एंटीबायोटिक क्या काम करता है कॉमनली यूज तो बिना टवन गवाएं अपना करते हैं वीडियो को शुरू कि कौन सी कौन सी एंटीबायोटिक्स कॉमनली यूज होते हैं और किस बीमारी के लिए यूज होते हैं तो भाई मेरे एंटीबायोटिक्स ये रहे ये रहे और कुछ बॉक्सेस में भी है कुछ स्टैंडर्ड के एंटीबायोटिक्स हैं बच्चों एक कफ की ड्राई कप सिरप वगैरह की मैं सिरप की बात नहीं करूंगा एंटीबायोटिक्स की बात करूँगा सिर्फ टैबलेट्स की और कैप्सूल्स की बात करेंगे आज हम कि कौन से कौन से यूज़ होते हैं सबसे पहले आता है सिप्रोफ्लोक्सोसिन ये बुखार में भी होता है कई बार यूज बुखार में भी होता है और हल्के फुल्के अगर चेस्ट की प्रॉब्लम वगैरह होती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो उसमें भी काम करता है या किसी के एडीएम वगैरह फट रही हो तो उसमें भी यूज़ होता है सिप्रोफ्लोक्सोसिन साल्ट पाँच सौ और ढाई सौ एम जी की पावर आती है ढाई सौ बच्चों के लिए होता है मेनली पाँच सौ चलता है किसी भी कंपनी का ले लो अच्छी कंपनी का जैसे सुपर सिर्फ आर डी पाँच सौ है मेरे पास ये ऑफ्लो कैम चार सौ ये यूज़ होता है बुखार में सिंगल डोज होती है इसकी इस किसी पाँच सौ की तो डबल डोज होती है बारह साल से ऊपर की बी डी डोज होती है ऑफ्लो कैम चार सौ की सिंगल डोज होती है ओडी में चलता है ये सिर्फ एक टाइम रोटी खाने के बाद ये भी बुखार में भी काम आता है और फोड़ा फुंसी में तो काम आता है नहीं तो फूसी पर आ जाता है काम फोड़ा फुंसी में इसीलिए फोड़ा फुंसी की दिक्कत हो तो उसके बाद आता है नॉनफ्लॉक्सोसिन और ट्रजाजल टिंडाजोल या और निंडाजोल होते हैं फ्लॉक्सिन जो साल्ट होते हैं या लूज मोशन वगैरह में काम आता है अगर किसी की पेट की समस्या चल रही हो नॉनफ्लॉक्सोसिन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काम आता है बाथरूम में समस्या अगर किसी को बाथरूम में लग जाता हो या कोई समस्या हो तो उसमें काम आता है उसके बाद आता है डॉक्सी एल बी साल्टिखाते हम डॉक्सी एल बी कैसे होता है डॉक्सी साइक्लिन के साथ लैक्टो एसिड बेसिलस होता है ये बुखार में काम आता है इसकी भी डबल डोज होती है सिंगल डोज नहीं होती इसकी डबल डोज होती है बारह साल से ऊपर के लिए उसके बाद आता है एमोक्सी मोस्ट कॉमनली यूज एमोक्सीन कैप्सूल ढाई सौ बच्चों में भी काम आता है डबल डोज होती है इसकी बच्चों में भी ढाई की चल जाती है और बड़ों में भी इसकी डबल डोज ही चलेगी एमोक्सिलन ढाई कैप्सूल की उसके बाद आता है एलमोक्स प्लस है, जिसके अंदर साल्ट होता है एमोक्सीन ट्राईहाइड्रेट एमोक्सी क्लोक्सा या ये साल्ट होता है इसके अंदर ढाई सौ ढाई सौ एम जी इसकी भी डबल डोज होती है बड़ों में छोटों में तो उसकी सिंगल डोज चल जाएगी कैप्सूल होता है ये बड़ों की इसकी डबल डोज चलेगी और डी बी डी इसके बाद सिफिक्जिमोफ्लोक्सोजन ये काम आता है सिफिक्जिम साल्ट काम आता है सिर्फ ज़्यादातर मेनली बुखार में काम आता है या अगर किसी को रेशे वगैरह की दिक्कत हो जाड़ वगैरह में टूथेक की प्रॉब्लम होता तो उसमें भी सीफिक्जिम काम आता है कम यूज होता है बाकी सीफिकॉक्सिम में भी हाई क्वालिटी मतलब हाई डोज का अल्टरनेटिव हो गया ये का ऊपर वाली क्लास के में आ गया ये बुखार के लिए सेप्रोडोक्सिम कम यूज होता है बाकी ये भी उसके बाद ढाई सौ ऐसे ही फिर मोक्सी पाँच सौ भी आता है ये इसकी भी डबल डोज से चलती है ऑक्सीजन ट्राईहाइड्रेट की डबल डोज इसकी फिर एजिथ्रोमाइसिन बहुत ये महंगे पड़ते हैं टैबलेट बीस रुपए की टैबलेट आती है बीस से पंद्रह रुपए की पड़ती है आती है अजिथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन गढ़ में सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक है गढ़ की दिक्कत हो रही हो किसी की भी टॉन्सिल वगैरह हो रही हो उनमें सबसे ज़्यादा अच्छा एंटीबायोटिक माना जाता है ये उसके बाद सेप्ट्रॉन कोट्राइमोक्सीजोल <coughs> ये भी फोड़ा फुंसी में काम आता है या किसी के जख्म रहा और अगर पैर में कुछ उस तो उसमें फोड़ भी अपना लगा भी सकते हैं उसको और खा भी सकते हैं उसके बाद आती है सिफ़ा शिफा काइंडिम साल्ट होता है ये ये भी हाई डोज का होता है मतलब अल्टरनेटिव फीवर के लिए यह चेस्ट में जान चलता है मेनली अगर किसी के रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की दिक्कत हो सांस लेने में दिक्कत आ रही हो तब में चलता है नॉर्मली एंड उसमें प्रैक्टिस में तो कोई है, कोई यूज करता है इसको जाता है, यूज, यूज नहीं करते क्योंकि पंद्रह सोलह रुपए की एक गोड़ी आती है ये उसके बाद ओमनिकलेव तीन सौ पचहत्तर शिफा का डोज होती है बी डी डोज होते हैं मैक्सिमम डॉक्टर इसके बी डी डोज ही प्रिस्क्राइब करते हैं और मॉक्सिकलेवेट तीन सौ पचहत्तर एम जी जिसके अंदर ढाई सौ एम जी तो मोक्सिल हो गया और एक सौ पच्चीस एम जी क्लैनिक एसिड हो गया ये बच्चों में काम आ जाएगी ये डबल डोज चल जाएगी ये बच्चों में फिर भी बी डी में तीन सौ पचहत्तर क्योंकि अपने ये कई बार डिजीज के ऊपर बाधा तीन सौ छः सौ पच्चीस एम जी भी तीन बार भी देते हैं डॉक्टर और अपना एक टाइम तो देते ही देते हैं इसको और ऐसे ही अल्मोक्स प्लस, प्लस पाँच सौ मोक्सिक्लोक् कैप्सूल होते हैं जो ये ये साल्ट के एमऑक्सीजनिक ऑक्सीजन इलेक्ट्रेड एसिड ये गले में भी काम आते हैं अगर फोडाफो हो तो उसमें भी काम आते हैं ऐसी ही ओफलॉक्स ओजेट की बात आती है लूज मोशन में अच्छे काम आते हैं नॉर्मल में बस ज़्यादा भी किसी एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस हो जाता है फिर एंटीबायोटिक काम करना बंद कर जाते हैं उस बंदे का ऐसी ओफलोक्स दो सो डबल डोज होती है ओफ्लोक्स दो सो की भी बारह साल से ऊपर के लिए ऐसे ही ओजेड की भी डबल डोज होती है बारह साल से ऊपर के लिए बाकी कोई भी मेडिसन्स विदाउट डॉक्टर डुक, की प्रिस्क्राइब के लिए कभी मत लेनी चाहिए और ऐसे ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो गाँव में दुकान खोलते हैं खोलने की सोच रहे हैं उन्हें विदाउट पूरी एक बार सर्च करें ऐसे मत देना किसी को भी इमर्जी अभी एंटीबायोटिक ही होता है एक नाइट्रोफिटोन यूरिन इन्फेक्शन में काम आता है कि किसी गुदों वगैरह की दिक्कत हो या कुछ तो उसमें काम आता है ये और मेन मेन तो यही एंटीबायोटिक थे जो कॉमनली यूज होते हैं ऑफ्लोक्सोसिन हो गया सिप्रो हो गया सिफिक्जिम हो गया मॉक्सिकलेवेनेट हो गया डॉक्सी एल बी अपना कवर कर लिया अपने रोक्सीथ्रोमाइसिन ये गले में ज़्यादा काम आता है अगर किसी खांसी की किस समस्या हो तो रोक्सीथ्रोमाइसिन उसमें जाता है ये और कहीं जिसमें एंटीबायोटिक बताए हैं ना इनके यूज़ भी इसके अलावा और काफ़ी भी यूज काम आते हैं ऐसे पर्टिकुलर के लिए नहीं है कि ये सिर्फ खांसी नज़ला जखाम या बखार काम करेंगे डॉक्टर्स को ज़्यादा पता होता है मैंने तो मेनली ऊपर ऊपर से बताया है कि क्या क्या काम आता है जैसे डॉक्टर की पर्ची आती है तो कौन सी कौन सी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं दवाई कौन सी कौन सी उसके हिसाब से हमें एक्सपीरियंस हो जाता है थोड़ा उसके बेसिस पे ही मैं आपको ये बता रहा हूँ वरना ऐसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कभी किसी को दवाई और इसके अलावा एक और होता है हैसिन एल्थ्रोसिन कह देते हैं उसको वहाँ एरिथ्रोमाइसिन साल्ट होता है जिसके अंदर वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ ये एंटी इंफेक्शन में काम मारता है अगर किसी का एलर्जी वगैरह हो रह रही हो खारिश होती हो या सी में उसमें काम होता है अल्थरोसिन साल्ट डबल डोज होती है अल्थरोसिन की भी जेनबिक कंपनी तो कम ही निकालती है स्टैंडर्ड में ही आता है ज्यादातर तो ये तो ये थे सारे एंटीबायोटिक जो हमने कवर कर लिए हैं बाकी विदाउट डॉक्टर रिकमेंड के ऐसे नहीं देने चाहिए और ना लेनी चाहिए कोई मेडिसिन क्योंकि प्रॉपर उसकी सारी एक बार देखना पड़ेगा एकदम ऐसे नहीं दे सकते ना मेडिसिन की उसकी कई बार प्रीवियस हिस्ट्री देखनी होती है उसकी कि किस प्रकार की पहले इसको गोली कई बार क्या होता है कि किसी का सूट नहीं करती कोई मेडिसिन ऐसे है मेरे पास पेशेंट एक दो बार मैंने दे दी थी उसको फ्लॉक्सोजैटिक जैसे उनको फिट सूट नहीं करती रिएक्शन कर देती है तो एलर्जी कर देती है या खारिश कर देती है कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर करती है तो ऐसे ही विदाउट हिस्ट्री जानने उनको ऐसे मत दे रिकमेंड करें अगर दोगे भी तो उनसे पहले प्रॉपर तरीके से पूछ लें कि कोई दवाई खराब तो नहीं करती है कुछ ताकि समस्या बाद में ना उत्पन्न हो आपके लिए और पेशेंट के लिए भी बाकी जो मैंने सारे एंटीबायोटिक्स बताए हैं आप एक बार इसको इंटरनेट पे भी अच्छी तरह पढ़ लेना बिल्कुल डीपली रिसर्च कर लेना इन सारे एंटीबायोटिक्स की ताकि और कोई परेशानी ना हो क्योंकि मुझे तो जितनी नॉलेज मैंने उसके हिसाब से बताया है बाकी इंटरनेट से आपको और ज्यादा अच्छी नॉलेज मिलेगी तो आप वहाँ पर सर्च करके बता सकते हो मैंने तो ये बताया कि कॉमनली जो एंटीबायोटिक एक मेडिकल स्टोर में चाहिए ही होते हैं रखते ही रखते हैं सारे बाकी एक और बात मैं जरूर बताना चाहूंगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी हो जाते हैं वो कैसे होते हैं अगर ज्यादा ही एंटीबायोटिक हर एक चीज में एंटीबायोटिक ही थोप रहे हो तो गुड एंटीबायोटिक्स होते हैं वो भी रजिस्टर हो जाते हैं जो हमारे सेहत के लिए और ख़राब हो जाते हैं तो एंटीबायोटिक्स का यूज़ करो पर ऐसी जगह करो जहां पर वाकई लगे जरूरत है वरना ऐसे ही मोक्सी वगैरह मॉक्सीजन नॉर्मल एंटीबायोटिक्स मत दो सिर्फ इम्यूनिटी पे काम करो ज़्यादातर तो बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो कीप शेयरिंग द वीडियो ऐसी सीरीज और आती रहेगी इस पर कि कौन से कौन से नॉर्मली चलते हैं एंटीबायोटिक तो मैंने बता दिए हैं और टैबलेट कौन सी कौन सी नॉर्मली चलती हैं मेडिकल स्टोर में Thank you so far so much for watching the video